हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी। और ये जो सब्ज़ी है वो हम एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल लिया है, और ऑयल में हम पहले गोभी को कर लेंगे सैलो फ्राई। तो उसके लिए हमें जो गोभी है वो बड़ा बड़ा काट कर लेना है, इसे छोटे पीसेस में नहीं कट करना है, थोड़े बड़े पीसेस में कट करना है। क्योंकि अगर हम इसे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो जो गोभी है वो टूटने लगता है और वो दिखता नहीं है, फिर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस हो जाते हैं उसके। इसलिए हमें गोभी को बड़ा बड़ा कट करके उसको सैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने गोभी को सैलो फ्राई कर लिया है, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक आप देख सकते हैं कलर हल्का सा चेंज हो गया है। गोभी जो है वो फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट में बाहर निकाल देंगे। तो गोभी को मैंने निकाल दिया है, और अब ये जो ऑयल बचा है इसमें हम आलूओं को फ्राई करेंगे। तो आलूओं को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक इस तरीके से बीच में चलाते हुए और ब्राउन कलर आने तक हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आलूओं को जो है फ्राई कर लिया है, और इनका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब हम आलूओं को भी बाहर निकाल देंगे एक प्लेट में, और सब्जी के लिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें 1/2 चम्मच ये जीरा डाल रही हूँ, और 1 पिंच जितनी हम इसमें हींग डालेंगे, इससे टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़कर आता है सब्जी का। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। तो इसे मैंने जार में डाल करके एकदम अच्छे से पीस लिया था। तो ये 1 प्याज है, मैंने इसे अच्छे से पीस कर इसमें डाला है, और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर प्याज जो है वो अच्छी भुन चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसका। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी हल्का सा इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो इसमें जा रही है 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक। सभी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। तो ये 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने बारीक काट कर लिया था, और ये टमाटर की प्योरी। तो ये मैंने टमाटरों को अच्छे से पीस कर ले लिया है, और अब हमें टमाटरों को जब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते। ग्रेवी एकदम सूखी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके की ग्रेवी रखेंगे तो जो गोभी की सब्ज़ी है वो अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए टमाटरों को एकदम ड्राई करने तक हम इन्हें इसी तरीके से पका लेंगे। तो ढककर इन्हें पकने देते हैं। ये देखिए, अभी हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम ड्राई हो चुकी है, इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। तो ग्रेवी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मटर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्रोज़न वाली हरी मटर, आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें मटर डाल दी हैं, और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो आलू और गोभी हमने फ्राई कर लिए थे वो। तो पहले हम आलू डाल देते हैं और ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है इसे, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और अब इसमें ऐड कर देंगे गोभी। तो गोभी डालने के बाद हमें इसे बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से मिक्स करना है, और इसमें मैंने डाला है ये 1/2 चम्मच गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से अच्छे से सब्जी को मिला लेंगे
सभी मसालों के साथ और ग्रेवी के साथ। और इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इस तरीके से 5 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। तो मैंने सब्जी को 5 मिनट पका लिया है। सब्जी हमारी एकदम तैयार है और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम हल्के हाथों से। तो यहाँ पर हमारी जो गोभी की सब्जी है वो बनकर एकदम तैयार है और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। पूड़ी के साथ खाएं, परांठे के साथ खाएं, जिसके भी साथ आपको पसंद है उसके साथ इसे बनाकर खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये आलू गोभी की सब्जी। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे अभी हम। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।